अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बलोची चिकन कढ़ाई। आधा कप तेल गरम हो गया है। अब इसमें 3 मीडियम साइज्ड प्याज का पेस्ट ऐड करें, 1/2 टीस्पून नमक डालकर प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लें। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करें। अदरक लहसुन पेस्ट की लाल होने तक फ्राई कर लें। अदरक लहसुन पेस्ट लाल हो चुका है। अब इसमें 1/2 किलो धुली हुई चिकन डालें। आप बोनलेस पीस में यूज कर सकते हो। मिक्स कर लें। देखिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से भून दिया है। अब इसमें ऐड करें 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स करें। एक टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डालें। एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करें। एक टेबलस्पून कसूरी मेथी क्रश करें। मिक्स करें। इसी तरह से चिकन को भूनते जाएं। पाव किलो दही ऐड करें। मिक्स करते जाएं और चिकन को भूनते जाएं। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करें। एक टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करें। नमक ऐड करें टेस्ट के हिसाब से। मिक्स करें। हाफ कप पानी ऐड करें। मिक्स करें। आधा कप हरा धनिया कटा हुआ ऐड करें। मिक्स करें। अब इसको ढककर पकाएं 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। बीस मिनट बाद ढक्कन खोल दें। चिकन गल चुकी है। एक कप इसमें पानी मिलाएं।
मिक्स करें। वन थर्ड कप कटा हुआ हरा धनिया ऐड करें, जिसमें मैंने दो चीरी हुई हरी मिर्चियां भी डाली हैं। तीन टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करें। मिक्स करें। और 3 टेबलस्पून इसमें फ्रेश क्रीम मिलाएं। मिक्स करें। एक टेबलस्पून जूलियन कट अदरक ऐड करें। मिक्स करें। 1-2 मिनट इसको भून लें। अब ये बिल्कुल रेडी है, फ्लेम ऑफ कर दें। बलोची चिकन कढ़ाई तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।